तो फ्रेंड्स, हमारे देश में ऐसे काफी सारे सिटीज है जहां पे आम जनता सप्लाई के वाटर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। म्यूनिसिपल हो या अपना सोसाइटी का हो, जहां पे कोई एक पर्टिकुलर टाइम में दिन में एक बार या दिन में दो बार तीन बार ऐसे करके पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास पानी आते हैं। तो इसमें एक प्रैक्टिकल चैलेंज फ्रेंड्स ये हो जाता है कि वो पर्टिकुलर टाइम में आपको पानी का जो वाल्व है उसको खोलना पड़ता है, फिर टैंक बंद हो जाएगा या पानी चला जाता है, उसके बाद आपको वाल्व को क्लोज कर देना पड़ता है। तो ये आपको मैनुअली करना पड़ता है। अगर मान लीजिए प्रैक्टिकल चैलेंजेस ऐसे हो सकते हैं कि अगर लिमिटेड नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स है कोई घर पे, तो किसी ना किसी एक को उस टाइम पे घर पे रहना ही पड़ेगा ताकि पानी आए, वो पानी का नल खोले, टैंकी भरे, फिर टैंकी भरने के बाद उसको बंद करे। अगर घर पे कोई नहीं रहेगा तो पानी नहीं आएगा, अगर आप पानी का नल खुला छोड़ देंगे तो टैंक ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन तो ऐसा है कि आप एक बॉल कॉक लगा सकते हो टैंक पे, जो कि आपका एक फ्लोट की तरह काम करता है, और ये काफी वाइडली पॉपुलर सोल्यूशन भी है जो ऑटोमेटिक जो जिन लोग टैंक को बंद करना चाहते हैं। बट फ्रेंड्स, बॉल कॉक आप ऐसे ही जगह पे लगा सकते हैं जहां पे आपका जो वाटर टैंक है वहां पे पानी का जो इनलेट है वो इनलेट आपके लिए एक्सेसिबल हो। बोलने का मतलब ये है कि जहां पे वो पाइप आपके टैंक के साथ ज्वाइन हो रहा है तो पाइप का जो ओपनिंग है वो जगह आपके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर आप वहां पे पहुंच पाते हैं तभी जाके वहां पे वो पाइप इनलेट पे आप जाके बॉल वाल्व को लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा काफी ऐसा सिचुएशन है जहां पे मान लीजिए आपका जो म्यूनिसिपल का जो पानी का जो सप्लाई है वो आपका अंडरग्राउंड टैंक में या कोई बड़ा टैंक में वहां पे स्टोरेज होता है, जहां पे कि आप बॉल कॉक लगाने के लिए इनलेट तक आप एक्सेस नहीं कर सकते हो या वहां पे पहुंच नहीं सकते हो। तो वहां पे क्या होता है कि आपको मैनुअली आपका जो पानी का वाल्व है उसको ओपन करना या क्लोज करना पड़ता है। तो ये एक दिक्कत होता है, एक प्रैक्टिकल एक चैलेंज है। तो उसको हम लोग एक बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम को हम लोग एक वाल्व यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे जो कि एक इलेक्ट्रिकल सोलेनोइड वाल्व है। वो सोलेनोइड वाल्व आपका जो वाटर सप्लाई का जो पाइप है उसी पाइप में ये लग जाता है। ये प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको एक प्लम्बर का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि विदाउट प्लम्बर आप ये काम अकेले नहीं कर सकते। तो आपका जो मेन पानी का जो सप्लाई लाइन आ रहा है बाहर से जो टैंक की तरफ जा रहा है उसी पाइप में आपको ये इलेक्ट्रिकल सोलेनोइड वाल्व आपको लगाना पड़ेगा। और ये जो वाल्व है ये इलेक्ट्रिकली स्विच से ऑपरेट होता है, आप वो स्विच घर के अंदर से ऑपरेट कर सकते हो। जस्ट दो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो इलेक्ट्रिक तार आपके घर पे आएंगे, दो वायर्स को आपको कोई स्विच के साथ लगाना है और वो स्विच से आप ऑन ऑफ करके ये सोलेनोइड को ऑपरेट कर सकते हो, जो कि एक वाल्व ओपन करेगा क्लोज करेगा जैसे आपका पानी आता है उस टाइमिंग के हिसाब से। अब इसको ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, मैं इसी चैनल पे एक वीडियो बनाया था ऑटोमेटिक टाइमर स्विच के ऊपर, डिजिटल ऑटोमेटिक टाइमर स्विच। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखे है तो टाइमर स्विच के वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैं ऊपर में यहाँ पे दे दूंगा, आप वो लिंक से जाके एक बार वो देख लीजिए। तो बेसिकली क्या है आइडिया कि वो टाइमर स्विच के साथ हम ये सोलेनोइड स्विच के कनेक्शन करेंगे। टाइमर स्विच में हम लोग जिस टाइम में अपना दिन में पानी आता है या पानी कितना देर तक रहता है वो टाइमिंग को हम लोग सेट करेंगे अपना ऑटोमेटिक टाइमर स्विच में, और वो ऑटोमेटिक डिजिटल जो टाइमर स्विच है वो उस टाइम प्रोग्रामिंग के हिसाब से ये पाइप का सोलेनोइड को, जो इलेक्ट्रिकल सोलेनोइड है वाल्व, इसको वो ऑन ऑफ करेगा, इसको ऑपरेट करेगा। वेरी सिंपल तरीका है। तो मैं ये कुछ डायग्राम से मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। ये डायग्राम पे देखिए जो ब्लू एरो है ये आपको दिखा रहा है पानी का फ्लो का डायरेक्शन, जो आपका सप्लाई आ रहा है बाहर से म्यूनिसिपल हो कहीं से भी हो, जो म्यूनिसिपैलिटी हो या कहीं से भी हो, तो ये पाइप से इसका वाटर फ्लो आप देखिए टैंक की तरफ जा रहा है। तो बीच में उसमें हम लोगों ने एक ब्रांच कर दिया, ब्रांच में हम लोग मेन ब्रांच में हम लोग एक सोलेनोइड स्विच लगा दिया जो इलेक्ट्रिकल सोलेनोइड स्विच है, और उसी के पैरेलल हम लोग एक सेफ्टी मैनुअल वाल्व भी लगाया है।
इसका रीजन ये है फ्रेंड्स कि अगर मान लीजिए कोई करंट के लिए आपका इलेक्ट्रिकल सोलेनोइड वाल्व अगर काम नहीं करता है या वो फॉल्टी हो जाता है या कुछ कारण से वो डैमेज हो जाता है, देन अगर आप एक बाईपास ऑप्शन नहीं रखेंगे तो आपका पानी का आने का जो तो आपका पानी का जो रास्ता है वो तब तक क्लोज रहेगा जब तक आप ये सोलेनोइड स्विच को रेक्टिफाई नहीं करते या उसको ओपन नहीं करते। तो ये एक फेल सेफ एक रीजन है कि एक पैरेलली एक मैनुअल एक ऑन ऑफ वाल्व को लगा के रखे और उसको ऑलवेज ऑफ पोजीशन में रखिए। अगर ये वाल्व को आप ओपन रखेंगे तो आपका पानी उधर से डाइवर्ट हो जाएगा तो आपका जो पर्पस है ये सोलेनोइड वाल्व लगाने का वो आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये मैनुअल वाल्व जो है इसको ऑलवेज आपको क्लोज रखना है ताकि वहां से पानी आगे न चले जाए और सोलेनोइड वाल्व वाला जो पैसेज है उसी के थ्रू पानी ऑलवेज टैंक में जाए। नेक्स्ट ये है कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि एक सोलेनोइड वाल्व जो मैंने मेरे घर पे यूज कर रहा हूं वो कुछ इस तरह का दिखने में है जो मैं ऑनलाइन परचेस किया हूं। ये टेक्नो न्यूमेटिक करके एक इंडियन कंपनी है, वही बेसिकली डीलर है। मुझे नहीं पता कि ये इंडिया मैन्युफैक्चर्ड है और इम्पोर्टेड है, बट द डिस्ट्रीब्यूटर इज बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली। तो ये आपको ऑनलाइन मिल जाता है, मैं ऑनलाइन ही परचेस किया हूं, बट ये चीज आप लोकल मार्केट पे भी ढूंढ सकते हैं। लोकल मार्केट में जो भी न्यूमेटिक वाल्व्स या वाटर वाल्व्स के जितने भी शॉप्स है वहां पे अगर आप ढूंढेंगे तो इसको मिल जाएगा आपको। तो ये आप देख सकते हैं, ये उसका बॉक्स है जो मैंने सोलेनोइड वाल्व मेरे घर पे मैंने यूज कर रहा हूं और ये लास्ट 6 महीने से एकदम परफेक्टली चल रहा है। तो इसमें फ्रेंड एक चीज ये बोलना है कि ये जो वाल्व है ये आपको 2 वोल्टेज ऑप्शन में मिलता है, एक 220 वोल्ट एसी ऑप्शन और एक है 12 वोल्ट डीसी ऑप्शन। कुछ वाल्व सबको 24 वोल्ट डीसी में भी मिलता है बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आइदर 12 वोल्ट या तो फिर 220 वोल्ट एसी वाला यूज कीजिए, क्योंकि 24 डीसी वाला जितना भी आप देखेंगे ऑनलाइन सर्च करके वो मोस्टली आरओ वाटर फिल्टर के लिए होता है जिसका कैपेसिटी और प्रेशर बहुत कम होता है नॉर्मली। और हमारा ये जो वाल्व है ये हेवी ड्यूटी है, ये मैंने जो लगाया हूं ये ब्रास वाला है। प्लास्टिक बॉडी में भी ये वाल्व्स मिलते हैं बट रीजन ये है कि अपना मेन वाटर का सप्लाई है वहां पे नॉर्मली पानी का प्रेशर ज्यादा ही रहता है, इसीलिए बेटर है कि आप हेवी ड्यूटी वाला थोड़ा अच्छा वाला ही लगाए ताकि ये काफी लॉन्ग टाइम तक आपका ये चले और आपको बार बार इसको रिपेयर करना ना पड़े। 12 वोल्ट डीसी वाल्व यूज करने में और एक जो एडवांटेज ये है कि आपका बाहर तक जो वायरिंग जाता है वो सिर्फ 12 वोल्ट डीसी के लिए ही जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिक शॉक्स वगैरह का रिस्क काफी कम है। तो अगर 220 वोल्ट एसी अगर आप यूज करेंगे तो उसके लिए इंसुलेशन एंड उसका वायरिंग आपको अच्छे से ध्यान देके उसको केयरफुली थोड़ा अच्छा वाला करना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट को हम लोग और भी बेटर बना सकते जो कि मैं मेरे घर पे किया हूं। इसके साथ हम क्या करते हैं कि वाटर टैंक में एक फ्लोट स्विच यूज करते हैं। फ्लोट स्विच कैसे यूज करते हैं, जो डिजिटल टाइमर स्विच से जो सप्लाई कनेक्शन आपका सोलेनोइड वाल्व में जा रहा है उसी के बीच में हम लोग फ्लोट स्विच का नॉर्मली क्लोज्ड कनेक्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स नॉर्मली फ्लोट स्विच ऐसे रहता है जिसका फंक्शनिंग, और फ्लोट स्विच का पर्पस ये है कि जैसे जैसे पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा ये फ्लोट स्विच भी उसके पानी के लेवल के साथ ऊपर आता है और जो हाईएस्ट पोजीशन में जब आ जाता है जब पानी टैंक जब पानी से भर जाता है तो ये ऊपर पोजीशन में आके ये स्विच डिस्कनेक्ट कर देता है। तो नॉर्मली क्लोज वाला जो पोजीशन है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, नॉर्मली ओपन वाला जो कनेक्शन है वो दोनों जुड़ जाते हैं। तो इसके लिए ये फ्लोट स्विच का जो नॉर्मल क्लोज कनेक्शन है वो कनेक्शन के साथ हम लोग सीरीज करेंगे अपना सोलेनोइड जो वाल्व है उसके कनेक्शन को कि हमारा फ्लोट स्विच जब नीचे है मतलब अपना वाटर लेवल नीचे है टैंक के अंदर तो वहां पे पानी अंदर जाना है तो उस टाइम जो नॉर्मल क्लोज रहेगा उस टाइम हम चाहते हैं कि हमारा सोलेनोइड वाल्व ओपन रहे काम करे जब उसमें सप्लाई जाए। तो उस पोजीशन में क्या होगा, सोलेनोइड स्विच काम करेगा, पानी अंदर आएगा, पानी का हाइट धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और जब टैंक फुल हो जाएगा उस टाइम फ्लोट स्विच
नॉन एनसी वाला जो कनेक्शन है उसको डिस्कनेक्ट कर दो, उससे क्या होगा हमारा जो सोलेनोइड वाल्व है सोलेनोइड वाल्व में अपना सप्लाई बंद हो जाएगा और सोलेनोइड स्विच क्लोज हो जाएगा और वो फर्दर पानी को आने नहीं देगा। फ्लोट स्विच के जो एनसी वाले कनेक्शन है, एनसी वाले कनेक्शन में हम लोग तो सोलेनोइड वाल्व का कनेक्शन कर दिया, तो एनो वाला जो कनेक्शन है वो अभी तक ओपन है, उसको हम लोगों ने यूज नहीं किया। तो उसके साथ मैंने क्या किया, उसके साथ एक एलईडी लगा के एक रेजिस्टर के साथ उसको मैंने एक इंडिकेटर का एक सप्लाई डाल दिया, ताकि क्या होता है जब फ्लोट स्विच डिस्कनेक्ट हो जाता है एनसी से और वो एनो के साथ कनेक्ट हो जाता है तो उस टाइम हमारा जो एलईडी है वो ग्लो कर जाता है। तो वो वाला एलईडी मैं वही सेम स्विच बोर्ड के साथ मैं वहां पे फिक्स करके रखा हूं, तो जब भी वो लाइट ग्लो हो जाता है तो मुझे पता चल जाता है कि अपना टैंक फुल है।